हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है या लाइक हो रहा है मेरे वीडियो, आप लोगों को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसके साथ साथ लाइक शेयर कमेंट कीजिए मेरे वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेजोन के बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है ऑल ओवर, जो कि वर्ल्ड में अमेजोन एक फॉरेन कंपनी है जो कि इंडिया में बहुत से दिन से पहले यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग के जो एक बहुत ही ज़्यादा एक जो काम कर रहा है। तो दोस्तों, अमेजोन में काम मिलना बहुत ही ज़्यादा जो कि एक इम्पॉर्टेंट ये हार्ड थिंग है। तो दो लोग चाहते हैं कि एक ऑनलाइन में एक कंपनी जो कि एक बिगर कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा, अमेजोन ये ब्रांड है जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग साइट इन वर्ल्ड। तो जो लोग काम करना चाहते हैं अमेजोन के लिए, इस यहाँ से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे जो 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 पोस्ट निकला हुआ है, रिक्रूटमेंट निकला है, आप वो सब जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा किस तरह से मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते, इसके साथ साथ क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपको मेंटेन करना होगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको पहले जो बात बोलूँगा कि इसका जो लिंक है ऑनलाइन के लिंक अप्लाई के लिंक है, मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके जो डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, अमेजोन के जो इस साइट को मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस पेज में आने के बाद आपको इस पेज में यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च जॉब। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप सर्च जॉब करते हो तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है रिसेंटली, आप वो सब देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोकेशन वाइज अगर सर्च करते हो जॉब, तो आपको यहाँ पे आपका लोकेशन वाइज जो कि जॉब है आपको यहाँ पे देंगे। तो मैं पहले आपको सर्च जॉब में क्लिक करके ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या क्या जॉब निकला हुआ है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो लोग चाहते हैं कि घर बैठे फॉरेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द अमेजोन कंपनी, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेयर हाउस टीम मेंबर के एक पोस्ट जो कि निकला हुआ है USA FL Gainesville। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेयर हाउस टीम मेंबर के एक पोस्ट निकला हुआ है यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी जो कि पोस्ट निकला, पार्ट टाइम कैंपस एसोसिएट ये एक पोस्ट है, होलसेल फूड शॉपर टीम मेंबर। तो दोस्तों, ये एक US कंपनी है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो कि US में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर आपको इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन से आपका क्वालिफिकेशन अगर मैच हो जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा इंडिया में कि कौन कौन किस तरह की जॉब या किस तरह की पोस्ट निकला हुआ है अमेजोन के, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको लोकेशन में आपको जाके आपको इंडिया टाइप करना होगा। इंडिया के अगर इंडिया में आप बिलोंग करते तो आप इंडिया दे सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई भी कंट्री से अगर आप चाहते हो कि सर्च करना, तो आप वो भी दे सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना होगा, सर्च जो जॉब है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद इंडिया के जो जो रिसेंटली जॉब पोस्ट हुआ है, रिक्रूटमेंट पोस्ट हुए है, आप लोग यहाँ पे वो सब देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट जो जॉब निकला हुआ है, रेगुलर कस्टमर सर्विस एसोसिएट जो कि पुणे इंडिया में इसका लोकेशन रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट जो पोस्ट है रेगुलर कस्टमर सर्विस, इसका जॉब लोकेशन रहेगा पुणे में। इसके बाद जो कि है सेम पोस्ट है कस्टमर सर्विस एसोसिएट नोएडा इंडिया, तो ये इंडिया के नोएडा जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, लोकेशन नोएडा। तो आप लोग अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से जो लोग चाहते हैं कि अप्लाई करना, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ पोस्ट जो कि निकला हुआ है यहाँ पे, हैदराबाद ऑन साइट पुलिंग, इसके साथ साथ वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट। तो यहाँ पे बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे जो कि पोस्ट निकला है। आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे जिसमें पोस्ट के लिए आप कंफर्टेबल है, आपका लगता है कि आपके क्वालिफिकेशन से ये पोस्ट आप पा सकते हैं, क्रैक कर सकते फॉर द
एग्ज़ाम या इंटरव्यू, तो अगर आप चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी पोस्ट। तो दोस्तों तो मैं अभी आप लोगों को सब कुछ पोस्ट मैं नहीं देखा सकती हूँ। तो मैं जो फर्स्ट पोस्ट है यहाँ पे रेगुलर कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका जो डिटेल्स है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसमें क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद इसका जो ऑल डिटेल्स है यहाँ पे चला है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट है रेगुलर कस्टमर सर्विस एसोसिएट यहाँ पे चला है, उसके नीचे ठीक लिखा है पुणे इंडिया। तो दोस्तों पुणे इसका जॉब लोकेशन रहेगा। इसके साथ है इसका जो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है एन अमेजन कस्टमर सर्विस एसोसिएट इन द क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर मिशन टू डिलीवर टाइमली एक्यूरेट प्रोफेशनल कस्टमर सर्विस टू ऑल ऑफ अमेजन कस्टमर। तो दोस्तों इसका जो डिस्क्रिप्शन है इस जॉब के लिए उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर कम्युनिकेशन स्किल, आपको यहाँ पे क्या क्या नॉलेज या स्किल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या नॉलेज स्किल रहेगा इसके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे ये मेंटेन करना होगा, ये अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है या क्राइटेरिया इस तरह की नॉलेज या स्किल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका फर्स्ट जो है एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल रिटन एंड वर्बल। तो दोस्तों अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंटली रिटन एंड वर्बल में कंफर्टेबल है या स्ट्रांग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली एंड क्लियरली विद ऑल कस्टमर। तो अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा हाई है, आप कस्टमर के साथ बहुत ही ठीक या सुंदर भावे अगर बात कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ और थोड़ा बहुत जो कि है मैं एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप लोग अगर आप चाहते हैं तो आप दोबारा पढ़ के आप देख सकते हैं। तो इसके बाद है एक्सीलेंट डॉक्यूमेंटेशन स्किल, उसके बाद गुड कॉम्प्रिहेंशन स्किल, एबिलिटी टू क्लियरली अंडरस्टैंड एंड स्टेट द इशू ऑफ कस्टमर प्रेजेंट, एबिलिटी टू कॉन्सिक्वेंट फॉलो कस्टमर इश्यूज विदाउट द डिस्ट्रैक्शन टू रिजोल्यूशन, गुड कॉम्पोजिशन स्किल, एबिलिटी टू कंपोज ग्रामेटिकली करेक्ट कॉन्साइज एंड एक्यूरेटेड राइट रिस्पॉन्स, वर्क सक्सेसफुली इन अ टीम इन्वायरमेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंटली। तो इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज के कुछ यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो इसके कंप्यूटर में क्या क्या नॉलेज आपके पास होना चाहिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एबिलिटी टू यूज़ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम, तो आपके पास अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर अगर चला सकते आपका नॉलेज है तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ और भी कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे और एक बार पढ़ देता हूँ। तो फैमिलिटी विद विंडोज एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलेट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपको विंडोज एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलेट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सब आपको यूज़ करना जानना अगर जानते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेलेंट टाइपिंग स्किल, अगर आपका टाइपिंग स्किल अच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ और कुछ है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। Demonstration understanding the of the internet amazon.com website and competitor website, demonstration and ability to successfully navigate website, a proficient knowledge of email application and ability to learn in various media, ability to successfully adapt टू द चांस इन वर्क एनवायरमेंट। उसके साथ साथ कस्टमर फोकस जो कि यहाँ पे लगेगा ये थोड़ा स्किल है, अगर आप ये सब मेंटेन करते हैं तो आपके लिए एक एडवांटेज होगा जो कि जॉब पाने में। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो जो कस्टमर के एक अगर कस्टमर हैंडलिंग जो कि है अगर आपके वो स्किल आपके पास बहुत अच्छा है तो आप अप्लाई कर आपका एक एडवांटेज होगा फॉर दिस पोस्ट के लिए। तो क्वालिफिकेशन मिनिमम यहाँ पे लिखा हुआ है 10+2 एनी ग्रेजुएट पीजी इन एलिजिबल टू अप्लाई। तो दोस्तों आपके पास अगर 10+2 क्लास के सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट है या क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि है 12th एंड ग्रेजुएशन। तो दोस्तों इस तरह से ये था जो कि आपके द क्राइटेरिया या डिटेल्स ऑफ द
अप्लाइंग जो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका डिटेल्स है। इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह के अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ के लिए आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद और एक पेज जो कि यहाँ पे ओपन होगा उस पेज को आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक आई एक्सेप्ट के जो कि यहाँ पे एक फॉर्म आया है टर्म एंड कंडीशन, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे और एक पेज आएगा जो कि ऑलरेडी रजिस्टर, यहाँ पे आपको रजिस्टर के एक फॉर्म आएगा। तो अगर आप पहली बार अप्लाई करना चाह कर रहे हो तो आपको यहाँ पर रजिस्टर को में क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर रजिस्टर कर देना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे एक रिज्यूम जो कि आएगा उस रिज्यूम को आपको सबमिट करना हो। तो दोस्तों मैं पहले ये इसका जो है मैं फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको एक फॉर्म आएगा जिस फॉर्म को आपको आपका डिटेल्स जो है नाम लोकेशन आपका एड्रेस आपका जो कि क्वालिफिकेशन सब कुछ वहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपका आपका जो रिसेंट रिज्यूम है आपको वो सबमिट कर देना होगा। सबमिट करके आपको यहाँ पे आपका जो फॉर्म है आपको वो सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद अगर आपका फॉर्म जो है या आपका जो डिटेल है अगर मैच करता है फॉर दिस जॉब अगर क्वालिफाई करते हैं या जो अगर क्वालिफाई करता है इस जॉब के लिए तो उसके बाद इस कंपनी से आपका मैसेज आएगा या आपका ईमेल आएगा फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन। तो अगर आप चाहते हैं तो इंटरव्यू के अगर आप चाहते हैं इस पोस्ट के लिए उसके बाद आपको ग्रुप इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू के अगर आप पास करते हैं या क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका ये जॉब आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अमेजोन जो कि नंबर वन कंपनी और ऑनलाइन साइट ऑनलाइन मार्केटिंग तो उसके साथ काम करना है तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसके साथ साथ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा और भी पेज है जो कि फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, आप लोग वहाँ से जाके भी कोई भी कमेंट कर सकते हैं या कोई भी मैसेज आपको कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द मैं दे दूंगा। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।